चंदन की लकड़ी कहीं चाहे छोटी सी भी क्यों ना हो, जहाँ भी होगी वहाँ महक शुरू कर देती है, अपना सुगंध छोड़ना शुरू कर देती है। तो इन भक्तों ने प्रारंभ किया, अपनी चर्चा करनी शुरू की के ताऊ जी भक्ति करा करो। वो कहने लगा बेटा भक्ति मैं बहुत करता हूँ, बहुत भक्ति भी करते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। फिर हमारे भक्तों ने कहा कि गुरु बनाओ, गुरु बिन बात नहीं बनती। वो कहने लगा जी हमने गुरु भी बना रखे हैं। फिर हमारे भक्त कहते हैं कि तुम्हारी साधना ठीक नहीं है। इस बात पर वो अक्षुब्ध हो जाते हैं कि नहीं नहीं आप ये गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं 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 ऐसा मत बोलो। अब भगत चुप हो गए, जब बूढ़ा सुनने को तैयार ही नहीं है। अब ये ब्रह्मवाटी करवा दी नकली गुरुआ ने, ये भूत बन के मारे किलकिया डाक, यो भगवान इनका गुट मारे या घेर के, फिर या इनको अलाउड नहीं, और ये फिर भी डीठ आ जाते हैं तो पिटेंगे यहाँ पर। तो पुनात्मा उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि भाई आज मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। एक लड़का जज और लड़के की पत्नी भी जज, अभी शादी हुई है 6 महीने हो गए, और एक लड़का फाइनेंसर है। मेरी तो ठाठ कर रखी है, मेरे भगवान ने जो साधना मैं करता हूँ उस गुरु से मुझे मौज हो रही है मेरी। तुम ऐसा मत कहो कि तुम्हारे गुरु ठीक नहीं, भक्ति ठीक नहीं। अब इससे आगे हमारे भक्त के बोलने के कम उस अनजान को। अपुनात्मा कुछ दिन के बाद समाचार पत्रों में ये भगत जी तो आगे उठ कर भी के माथा मारे भी के लिए, बुजुर्ग वैसे है सुनने को तैयार नहीं, और ये कह रहा कि मैं जो साधना करता हूँ उससे मुझे सारे ठाठ हो रहे। और उस समय उसकी उस बात में दम भी बहुत था, तो हमारे भक्त को नहीं बोले ठीक है ये नहीं मानेगा। अब 6 महीने के बाद समाचार पत्र में पढ़ने को मिला उसी फाइनेंसर का नाम, उससे हम प्रभावित हुए कि ये तो वही है जिससे ये हमने फाइनेंस कराई थी एक जीप। उस क्या लिखा था कि उसके पिताजी ने अपने गुरुजी से धार्मिक अनुष्ठान करवाया, उस फाइनेंसर के उस पिताजी ने, जो न्यों कह था मेरे गुरुजी के कारण मेरे सारे ठाठ हो रहे हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारा परिवार बुला रखा था उस धार्मिक अनुष्ठान के उपलक्ष में रविवार का दिन। तो गुरुजी ने जो सारा कुछ क्रिया कुरिया कर ली उस दिन, वो करके अपना चला गया, और उसमें ये कहा कि ये जो हवन आदि मैंने किया है इस वर्जित सामग्री को, शेष बची हुई सामग्री को और बहते पानी में विसर्जित कर देना। अगले दिन या उसी दिन जैसे भी, वो दोनों लड़के, वो जज और वो फाइनेंसर, उस अनुष्ठान से बचे हुई बभूत व फूल फाल जो प्रयोग किए जाते हैं उनको इकट्ठा करके गुरुजी के आदेश अनुसार वो दोनों बच्चे, वो फाइनेंसर और जज, वो दोनों के दोनों उस जवाहरलाल नेहरू कैनाल JLN उसमें विसर्जन करने के लिए चले गए। साथ में ड्राइवर था कार से, और वहां जाकर के उन्होंने वो जो भी फूल थे या राख थी ऐसे डाल दी, वह थैली में डाल रखे थे, वह साइड में पानी थोड़ा कम हो रहा था, पटरी के ऊपर पक्की पटरी थी ऐसे स्लोप में, वो किनारे पर गिर गई। उन्होंने सोचा ये जल प्रवाह हुई नहीं, तो एक जना नीचे को एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक ऊपर खड़ा रहा और एक नीचे को, उसको हाथ से ऐसे नीचे को करने लगा, उसका पैर स्लिप गया, काई लगी हुई थी, पानी कुछ कम हुआ था तो गीला था वो, उसका हाथ नीचे थलस गया, तो हाथ जब जोर से पकड़ रहा था ऊपर वाले का जो किनारे पर पकड़े खड़ा था उसका भाई, और वो भी साथ नीचे गिर गया, दोनों दरिया में उस नहर में गिर गए। और ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा है, अब वो केक रहे, अब वो
खत्म हो गए। तीसरे दिन सौ मिला उनको, वहां को जाकर सालावास पंपा उस पर जाकर अपुण्य आत्मा हो। अब वो टक्कर मार कर हो रहा बुढ़ा, इतना बुरी तरह डकरा रहा, मैं उलझड़ गया। अब वो जो जज का ब्याह हुआ था, जज लड़की से, और लड़की चली गई छोड़ के उसको, वहां रहे 21,000 रुपये वो, अब उसका सर्वनाश हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जो उठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख मगोद, आपको मूर्ख बनाकर यहां रखा है इस काल ने। परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। कबीर परमात्मा कहा करते थे तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनू तापम। पुण्यात्माओं, प्रारब्ध के अंदर जो दुख आपके ऊपर होते हैं, आपके ऊपर कष्ट आते हैं, ये तीन ताप के अंतर्गत भी होते हैं और प्रारब्ध के भी कष्ट होते हैं। तीन ताप के अंतर्गत है जैसे किसी ने आपको श्राप दे दिया, ये अध्यात्म कष्ट है आपके ऊपर, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने आपके ऊपर जंतर मंत्र कर दिया, घायल गलवा दी, कोई भूत प्रेत छोड़ दिए, ये इन भगवानों की भक्तियों से नहीं दूर हो सकते। ये जो तुम स्याणे का आकर ना स्याणे है, ये जंतर मंत्र कर देते हैं, ये इन प्रेतों को नहीं हटा सकते आपके घर से, ये तो कंप्रोमाइज करा देते हैं आपका कि इनकी न्यू बना दो, मंडी बनवा दो, हैं ये फिर तुमने कष्ट ना के उधर रोज वहीं रहें, दो दिन पाचे फिर उदमस्तार देते हैं, इसके पांचों लत्ते भिजवा दो, वो कंप्रोमाइज करा देते हैं। और वो भी मूर्ख हैं जो भूत बन गए उनकी, क्योंकि वो पहले इंसान थे, उनमें वही आस्थाएं, वही साधन, वो क्रियाएं भरी पड़ी थी, उतनी बुद्धि उनके अंदर सीमित है, क्योंकि ये ऊपर का कवर ही छोटा है, अंदर सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में ज्यों की त्यों प्रेरणाएं, वही विचार, वही स्वभाव उनका बना रहता है। इन तीन तापों का कष्ट भी इन भगवानों से नहीं हट सकता। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी में अर्जुन को ज्ञान देते समय काल का संवाद सुना है, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में, कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तू तो केवल निमित्त मात्र है। और फिर जब महाभारत का युद्ध हो लिया और उसको युधिष्ठिर को बुरे बुरे सौपन आने लगे, अब उसने खाना पीना छूट गया और ऐसे आँखें होगी, ऐसे देख रहा भयभीत सा होकर रात को बैठकर ऐसे डरा हुआ रहता है, राजगद्दी पर बैठा राजा की दुर्गति हो गई क्योंकि लाखों लोग मरवा दिए उसने, और फिर बैठ कर वो राज कर रहा है। वो आत्माएँ जो युद्ध में मारे गए उनकी आत्माएं उसको कचोट रही थी, उसके सारे जंतर मंतर करा लिए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर सोचा कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए तब उनको सारा हाल से अवगत कराया गया, परिचित कराया गया कि भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि ये कारण जो है, ये आपके ऊपर जो आपत्ति आई है युधिष्ठिर पर, इसका कारण है कि आप जी ने महाभारत के युद्ध में जो बंधुघात किया, जो पाप किए, वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। इसका समाधान क्या है कि अश्वमेध यज्ञ करो और पृथ्वी के सभी पुण्य आत्माओं को आमंत्रित करो, जितने अधिक से अधिक व्यक्ति आवेंगे, भोजन खाएंगे, तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे।
तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को स्वर्ग के देवताओं तक भी आमंत्रित कर दिया, पृथ्वी के सभी संत महर्षि मंडलेश्वर और सभी को बुला लिया। और यज्ञ की सफलता का एक प्रतीक रखा गया कि एक पंचजन्य संख, पंचायन संख, पांच मुख का पंच आनन, यानी एक संख होता है एक मुख का, वो संख था पांच मुख का, और वो अलग से एक सुसज्जित स्टेज बनाकर आदर से एक मेज पर अलग से रख दिया गया कि जिस समय ये सभी भक्त आत्मा इस धर्म यज्ञ में भोजन प्राप्त कर लेंगे तो वो संख अपने आप बजेगा, अपने आप आवाज करेगा, तो समझ लेना कि आपका यज्ञ पूर्ण हो गया और आपके ये संकट निवारण हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। दूर दूर के बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण जी ने और 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध पुरुष और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण जी के वंशज थे, वो सारे चूल्हा न्योत थी उनकी, और वह भी आ गए। सब ने भोजन खा लिया, शंख ना बजा। अब श्री कृष्ण जी चिंतित हुए और युधिष्ठिर तो चिंतित थे ही कि हमारा शंख नहीं बज सकता, हमारी शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी थे कि भगवान हम बहुत अपराध कर चुके हैं, आपने सही कहा कि हमारे महाभारत में किए हुए युद्ध हमें दुखदायी हो रहे और ये शंख नहीं बज सकता, हमने तो अत्याचार कर रखा है। वो मासूम बच्चे रो रहे अपनी माताओं के सीने से लिपट कर, हमारे पिताजी कब आएंगे, जो युद्ध में मारे गए सैनिकों के, वो बच्चे रो रहे हैं, वो विधवाएं अपना रो रही हैं, टक्कर मार रही हैं, हमारा पाप नाश नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई पाप नाश तो होगा, पर पाप का नाश करने वाला संत भक्त आया नहीं। कौन? फिर उनको उन्होंने बताया कि एक सुदर्शन नाम के महात्मा हैं और वो पूरे संत के और सत भक्ति करने वाले साधक हैं, वो आवेंगे, भोजन पावेंगे तो तुम्हारे ये तीन ताप भी दूर हो जाएंगे। सुदर्शन जी कौन थे? परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में कबीर परमेश्वर जी करुणामय नाम से अवतरित थे और एक बाल्मीक के घर उनकी ऐसे ही परवरिश हुई थी जैसे नीरू और नीमा ने कलयुग में की थी, ऐसे ही उनको कमल के फूल पर मालिक मिले थे। और उनका उस समय एक शिष्य था, सुदर्शन सुपच बाल्मीक जाति से ही संबंधित था, वो उनका परम भक्त, और उस परम भक्त को परमात्मा ने सतनाम दे रखा था, सत भक्ति वो करता था। तो जहाँ वो काशी के अंदर वो सुपच सुदर्शन रहता था और उधर न्योता देने की इन्विटेशन देने का कार्य भीम पांडवों के जम्मे ला रखा था भीमसेन का, तो भीमसेन सुदर्शन जी के पास गया था उसकी झोपड़ी में, और भीमसेन ने कहा था कि भगवान हमारे यज्ञ में चलिएगा और मैं राजा युधिष्ठिर का भाई हूँ। तब परमात्मा के ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान के आधार से सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रखा है, ऐसा जुल्म किया है, किसके लिए? एक राज्य के लिए, एक पेट के लिए तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, और तुम्हारा जो अन्न भी खा लेगा पापियों वो भी नरक में जाओगा, और यदि मुझे लेकर चलना है तो 100 अश्वमेघ यज्ञ जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी ऐसी कोई तुम्हारे पुनों में रखी हो तो ऐसी 100 यज्ञ का फल मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारा अन्न खा सकता हूं। अब भीम कहने लगा कि हम तो पहली यज्ञ करने जा रहे हैं और 100 यज्ञ का पुण्य कहां से लाऊं, और तूने जो ये बकवाद की है कि तुम पापी हो
तुम ऐसे कर रहे हो, ज्यादा मत बोला बाबा जी, मुझे भगवान